Find the equation of line joining the origin to the point of intersection. Point of intersection of the line x plus y is equals to 1 and the curve 4x square plus 4y square plus 4x minus 2y minus 5 is equals to 0. And also so that they are at right angle. ठीक है? They are at right angle. ठीक है? तो यहाँ से अपने पास क्या given है? अगर मैं यहाँ पे इसके लिए diagram draw करूँ, geometrical यहाँ पे diagram draw करूँ, तो basically यहाँ पे क्या अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और एक कर्व गिवन है और एक लाइन गिवन है, ठीक है. लेट्स से मैं अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है अपने पास, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और अपने पास क्या है, एक कर्व गिवन है, ठीक है. लेट्स से मैं यहां पे इसको, ये कर्व हो गया, ठीक है, और कर्व के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पे, ये लेट्स से लाइन गिवन है, ठीक है. अगर अपन देखें तो अपने पास एक कर्व गिवन है, लेट्स से ये अपने पास कर्व है और अपने पास एक लाइन का इस कर्व के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो इन्होंने बोला है कि equation of line joining the origin to the point of intersection, ठीक है. तो अब अपने को line की equation बतानी है जो origin को इनके intersection point को join करके जो equation आएगी, ठीक है. तो ये अगर अपन यहाँ से मैं diagram draw, diagram में अगर अपन let's say ये क्या अपना, ये इसको अपन x axis बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या अपने पास, ये y axis है, ठीक है, और जो अपने पास line given है, ठीक है, line अपने पास जो given है वो क्या given है, l, ये लाइन गिवन है l और इसकी वैल्यू गिवन है x plus y is equals to 1 और अपने पास ये कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है. लेट्स से इस पॉइंट को मैं a बोल देता हूं और यहां पे कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इसको मैं b बोल देता हूं, ठीक है. ये लाइन और कर्व का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको अपन ने a और b बोल दिया और ये क्या है, ओरिजिन o. तो oa और ob के लिए अपने को इक्वेशन बताना, ठीक है. अब अपन ओरिजिन से oa और ob का कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, होमोजेनाइजेशन कांसेप्ट यूज करके, ठीक है. तो जो लाइन l गिवन है x plus y is equals to 1 और OA और OB का जो कंबाइन इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन होगा जब अपन इस लाइन को इस कर्व पे होमोजेनाइज कर दें, ठीक है. होमोजेनाइज मींस पावर, जो इंडेक्स होता है वो इक्वल करना. तो कर्व क्या गिवन है, कर्व गिवन है 4x square plus 4y square plus 4x minus of 2y minus 5 is equals to 0. अब इस कर्व में अगर मैं पावर की बात करूं, जो फर्स्ट टर्म है इसमें पावर क्या है, x की पावर 2 है, तो पावर 2 है यहां पे, पावर 2 है यहां पे, x के लिए पावर क्या है यहां पे 1, यहां पे पावर y के लिए 1 है और ये कांस्टेंट वैल्यू है. तो यहां पे अगर अपन कोई भी वेरिएबल अज्यूम करें x या y, तो उसका पावर क्या होगा, 0. अब अपन इसमें क्या करें, इंडेक्स जो होता है यहां पे इसकी जो पावर है उसको इक्वेट करें. तो इसको इक्वेट कैसे करेंगे, लेट्स से तो लाइन को अपन इस कर्व पे होमोजेनाइज करेंगे, तो यह जगह 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x इनटू में यहां पे लेट्स अपन अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन है और 1 को मैं रिप्लेस करूंगा यहां पे इक्वेशन 1 से, ठीक है. तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 से x plus y, तो 4x into 1 और 1 को मैं यहां पे लिख देता हूं x plus y minus 2y और 2y में भी अपन अज्यूम कर सकते हैं कि 2y में 1 से मल्टीप्लिकेशन है और 1 को अपन इक्वेशन 1 से रिप्लेस करेंगे क्या, x plus y से और minus 5 और minus 5 के साथ अपन क्या अज्यूम कर सकते हैं कि 5 के साथ 1 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है और 1 को अपन इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब अगर अपन देखें तो जो सारे टर्म्स है सबका पावर क्या है, 2 है, ठीक है. तो अब अपन इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये जो आ जाएगा, ये जो होमोजेनाइज इक्वेशन आ जाएगा, ये क्या देगा, ये अपने पास आ जाएगा कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB. तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले लाइन जो OA और OB है, और A और B क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड कर्व, तो इसका कंबाइन इक्वेशन जो है ये क्या दे देगा, ये जो गिवन होमोजेनाइजेशन इक्वेशन है ये होगा, ठीक है. अब अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये जगह अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहां पे, ये वैल्यू आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2xy, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा यहां पे, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab आएगा, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 10xy इक्वल्स टू 0. ये यहां पे इसको अपन रीअरेंज कर दें. अब अगर मैं यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट करूं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर अपन कलेक्ट करें, यहां पे अगर मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट करूं, तो ये आ जाएगा 4
प्लस फोर, फोर प्लस फोर और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है ये माइनस का फाइव, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट प्लस, अब अपन यहाँ पे क्या करें, मैं एक्स वाई का कोफिशियंट कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक्स वाई का कोफिशियंट अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये प्लस का फोर है, ये क्या है यहाँ पे माइनस का टू है, प्लस का फोर माइनस का टू है, और एक्स वाई का कोफिशियंट अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये है माइनस का टेन, ठीक है। प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, अब अपन वाई स्क्वायर का कोफिशियंट कलेक्ट करें इक्वल्स टू जीरो होगा, और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट देखो तो यहाँ पे क्या है प्लस का फोर, और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट अगर अपन देखे वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस का टू, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है माइनस का फाइव। ये अपने पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट आ गया। अब अपन यहाँ से इसकी वैल्यू देखो तो फोर प्लस फोर फाइव, फोर सॉरी फोर प्लस फोर एट, एट माइनस फाइव तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई का कोफिशियंट क्या आ जाएगा टेन प्लस टू ट्वेल्व माइनस फोर आ जाएगा माइनस ऑफ एट एक्स वाई, और इसकी वैल्यू आ जाएगा अपने पास फाइव प्लस टू सेवन माइनस फोर आ जाएगा माइनस ऑफ थ्री वाई स्क्वायर इजिकल्स टू जीरो। इसमें अगर अपन देखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर ये क्या है जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर के लिए इक्वेशन है। ये जनरल इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इजिकल्स टू जीरो, और इसमें अगर अपन ये क्या ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है L1 और L2 जो कि ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। ये जो जनरल इक्वेशन होता है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है L1 L2 को जो ओरिजिन से पास करती है, और इसमें अगर मैं कंडीशन लगाऊं इफ़ a प्लस बी की वैल्यू जीरो हो देन अपन बोलते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से अगर मैं कोफिशियंट ऑफ अगर अपन देखें तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर को अगर अपन देखें वैल्यू तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू थ्री है प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर वैल्यू माइनस थ्री है विच इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू जीरो हो गई विच इम्प्लाइज यहाँ जो दो लाइन रिप्रेजेंट होगा जो दो लाइन है ओ ए और ओ बी, जो ओ ए और ओ बी है तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। अगर मैं ओ ए और ओ बी का कंबाइंड इक्वेशन बोलूँ तो वो क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों लाइन जो है वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। यही अपने को बताना था। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए और ओ बी आ गया और ये आपस में परपेंडिकुलर है।